राजधानी रांची के बरियातु थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नशीली दवाई बेचने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार नशीले दवाई बेचने की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री करने के आरोप में दो युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पहली बार रांची से नशीली दवा नाइट्रोजेपाम की 78 गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा कोरेक्स की 6 बोतलें, कोरेक्स की 28 खाली बोतल, बाइक, मोबाइल और करीब 11,000 रुपये नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त में मोहम्मद नईम खान और रवीश कुमार शामिल हैं। बता दें कि पिछले 3 महीनों में 45 नशे के कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। देखिए, जहाँ तक मेडिकल साइंस में हम लोगों ने अभी तक जो जाना है और कई डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया है, ये साइकेट्रिक होते हैं और ख़ास करके न्यूरो से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेष परिस्थिति में ही ये जो है ख़ास करके मरीजों को देते हैं और बिल्कुल इसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये दवा किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब स्पष्ट है कि जिन दवाओं को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड करने से भी पहले सोचते हैं, उन दवाओं का इस्तेमाल जो है गहरी नींद में सुलाने का या नशा उत्पन्न करने का जो काम है वो इस दवा के द्वारा किया जाता है, जो कि पहली बार रांची पुलिस के द्वारा इस तरह की दवा जो है बरामद किया गया।